साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राफी बलोच साहब मौजूद हैं। ये ऑडियो वीडियो लीक्स होती कैसे हैं? ऑडियो और वीडियो लीक तो कोई ना कोई तो करता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था कि कैबिनेट में गैजेट्स का यूज ना किया जाए। इस तरह की सेंसिटिव मीटिंग्स में किसी भी किस्म की स्मार्ट डिवाइस अलाउड नहीं होनी चाहिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान पराचा और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। पाकिस्तान में हालिया ऑडियो वीडियो लीक्स के मामला चल रहे हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ग्लोबली रिनॉर्ड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राफी बलोच साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे ये ऑडियो वीडियो लीक्स होती कैसे हैं, ये सारे किस तरीके से, ये जो एक बात चलती है कि हैक हो गया मोबाइल, कॉल हैक हो गई है, ये सारा क्या माजरा है? राफी साहब क्या कहना चाहेंगे, ये मुल्क में चल रहा है, कभी ऑडियो लीक हो जाती है, कभी वीडियो लीक हो जाती है, फिर एक बात आती है कि भाई ये मेरी वीडियो ही नहीं है, ये मेरी ऑडियो ही नहीं है, एक टर्म यूज़ होती है डीप फेक, तो थोड़ा ये बताइए कि ऑडियो और वीडियो लीक होती कैसे हैं और फिर ये डीप फेक क्या है? देखें, ऑडियो और वीडियो लीक तो कोई ना कोई तो करता है, ऐसे लीक होती हैं। सवाल ये है कि ये ऑडियो लीक या वीडियो लीक जो हैं ये किसी फ़ोन के या किसी टैबलेट के या किसी बग के नतीजे में हुई हैं या ये किसी ने खुद डेलिब्रेटली की हैं। अब ऑब्वियसली चूँकि ये सारे मामलात ज़ेरे तफ्तीश हैं तो उसके ऊपर हम यहाँ से बैठ के स्पेकुलेट ही कर सकते होते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात आपने की डीप फेक की, तो डीप फेक जो है पहले फ़ोटो की पिक्चर्स की मैनिपुलेशन पहले भी होती रही है, फ़ोटोशॉप के थ्रू आपने देखा होगा, फ़ोटोशॉप और डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए लोग जो हैं पिक्चर्स मैनिपुलेट करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं किसी के यू नो फेस को किसी और की बॉडी के ऊपर जो है वो सुपर इम्पोज कर देते हैं। ये चीज़ हमने फ़ोटोशॉप से पहले देखी थी, बट इट वॉज नॉट दैट रियलिस्टिक, यानी कोई भी उसको देख के ये बता सकता था कि जी ये फ़ोटोशॉप हुई। आपने आमतौर पर सुना होगा दोस्त यार ये तो फ़ोटोशॉप हुई, बड़ा क्लियरली देखें जी फ़ोटोशॉप हुई। डीप फेक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनू जहानत को इस्तेमाल करते हुए यही काम किया जाता है, फेस स्वैप कहते हैं इसको, यानी किसी की फेस और किसी की बॉडी को स्वैप करना। एंड सो वो इतना रियलिस्टिक होता है कि बगैर फॉरेंसिक के या बगैर उसके इन डेप्थ असेसमेंट के इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर समबडी टू टेल। अच्छा, उसके लिए आपको डिफरेंट पिक्चर्स की ज़रूरत होती है, यानी इसलिए आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ की ज़्यादा डीप फेक बनती हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं इवन वॉइस जो है वो वाइडली अवेलेबल होती हैं। क्या कहना चाहेंगे, डीप फेक के केसेस पाकिस्तान में भी हुए? देखिए, जो मेरी नज़र से एक केस गुजरा है इन अर्ली 2020 और उस केस में ये था कि एक खातून को समबडी वॉज ब्लैकमेलिंग हर और उसमें उसकी कुछ वीडियोज़ थी जो कि उसने रिपोर्ट की। एंड सो इनिशियली जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको ये लगा कि ये जो खातून है ये झूठ बोल रही है क्योंकि वो उसकी फ़ोटोज़ या उसकी जो वीडियोज़ थी वो इतनी रियलिस्टिक थी। उसके बाद हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया जी, एंड सो जिस वेबसाइट के ऊपर उसने नोट लिखा था पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, उस वेबसाइट के ऊपर फाउंड की देर वो डायरेक्ट लिस्टिंग, यानी हम और भी फाइल्स देख सक रहे थे, पब्लिकली एक्सेसिबल थी। जब मैंने वो फाइल्स देखी वी केम टू नो कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स को उस इसी तर्ज के ऊपर जो है ना ही वॉज ट्राइंग टू ब्लैकमेल देम। एंड सो हो ये रहा था कि पब्लिकली वो पिक्चर्स उठाता था, उसको डीप फेक बनाता था वीडियो, एंड देन वो उसको ब्लैकमेल करता था, एंड यू नो अनलेस एंड अंटिल दे डोंट पे फॉर इट। उसने वेबसाइट इसलिए बनाई हुई थी कि उसने एक ही तरह का मैसेज जो है वो कई लोगों को, कई सौ लोगों को जो है ना ऑटो जनरेट मैसेज कर, लोग डर के जो है ना अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए जो है ना यू नो पीपल वर यू नो पेइंग हिम, एंड देन यू नो हम लोग वी वर एबल टू ट्रेस हिम। उसी की डायरेक्टरी में हमें उसका सीनाइजेशन आती कार्ड मिल गया, उसी वेबसाइट में ही उसका सीनाइजेशन जी। कह सकते हैं कि अनाड़ी ब्लैकमेलर था? हाँ, कह सकते हैं। आमतौर पर लोग जो है वो इतना इन डिटेल्स नहीं जाते हैं कि यू नो समबडी कुड कम फॉर देम एज वेल, यानी कि वो एंड सो वो स्पेसिफिकली जो वेबसाइट जो थी ये एक पब्लिकली अवेलेबल वेबसाइट को यूज़ कर रहा था, कोई इसने अपना कोई टूल नहीं लिखा था, कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है, एंड सो मैं ये नहीं कहूँगा कि ही वॉज अ सोफिस्टिकेटेड साइबर क्रिमिनल, मैं ये कहूँगा कि जो टेक्निक थी उस वक्त 2020 में डीप फेक को यूज़ करना, दिस वॉज समथिंग जो कि साइबर क्राइम के वर्ल्ड में इट वॉज रिलेटिवली न्यू। फिर क्या हुआ, वो जो ब्लैकमेलर था उसको आपने ट्रेस तो कर लिया, उसके बाद उसका क्या हुआ? करने वालों ने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया सॉफ्टवेयर उसका अपडेट हो गया ऑडियो लीक्स के मामलात हुए हैं,
इन्हीं खदशात को मद्देनजर रखते हुए आपने आई थिंक एक साल कबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था कि कैबिनेट में गैजेट्स का यूज़ ना किया जाए। वो लेटर क्या था, खदशात क्या थे, उसके बारे में ज़रा बताइए। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक ड्राइव चल रही थी पेपरलेस एनवायरनमेंट की, और उसमें ये था कि जो पेपर्स होंगे उसको रिप्लेस किया जाएगा टैबलेट्स पे। जितनी मीटिंग होंगी उनकी जो मिनट्स होंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होंगी या जो उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी, वो पेपरलेस एनवायरनमेंट में होंगी। एंड सो मैंने उसके ऊपर एक लेटर लिखा था एक्स प्राइम मिनिस्टर को, और उसमें मैंने कुछ खदशात बताए थे कि जो ये पेपरलेस एनवायरनमेंट्स है, इसमें जो आप टैबलेट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आइडियली इस तरह की सेंसिटिव मीटिंग्स में किसी भी किस्म की स्मार्ट डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है अलाउड नहीं होनी चाहिए। ओके। एंड सो मैंने उस पर कुछ कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस भी कोट की। मैंने बताया कि रशिया जो है दुनिया के टॉप साइबर सुपर पावर्स में से उनका एक नाम है, एंड सो वो भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है अपने टैबलेट्स को लेकर। अदरवाइज वो भी ऑब्वियसली अपनी सेंसिटिव मीटिंग्स में उनको अलाउ करते, लेकिन वो अलाउ नहीं करते। तो यू नो, आप पेपरलेस एनवायरनमेंट्स में डिजिटाइजेशन की तरफ जरूर जाएं, बट मैंने लिखा था कि ये वो जगहें नहीं हैं सेंसिटिव प्लेसेस जहां के ऊपर आप डिजिटाइजेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा रफी भाई, ये बताइए कि कैसे पता चलेगा किसी को कि आपका फ़ोन कंप्रोमाइज हो गया, हैक हो रहा है, कोई सुन रहा है उसको, कोई यूज़ कर रहा है, देख रहा है उसको, तो उसके लिए कोई मेजर्स हैं कि लोगों को पता चल सके? एंड सो सर्टन इंडिकेटर्स लोगों को बताए जा सकते हैं। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि लोगों को प्रिकॉशंस करें। यू नो, एक तो ये है कि सेंसिटिव प्लेसेस में फ़ोन्स तो बिल्कुल अलाउ नहीं होने चाहिए, अगर हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर देखते हैं सेंसिटिव मीटिंग्स में। एंड सो इंडिविजुअल जो है, लॉट ऑफ टाइम्स होता ही है कि जब आप कभी फ़ोन रिपेयरिंग के लिए भेज रहे होते हैं, उसमें यू नो देर इज़ अ चांस, देर इज़ अ रूम के यू नो जहाँ पे फ़ोन आप रिपेयर करने के लिए भेज रहे हैं, दे आर एबल टू गेट दैट होल्ड ऑफ़ योर डाटा। आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, दे आर एबल टू गेट होल्ड ऑफ योर डाटा। एंड सो आपका गूगल ड्राइव है, आप आमतौर पे गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं फ़ोन्स में, यू नो समबडी कुड इंसर्ट अ बैकडोर, वो अपना गूगल का अकाउंट या आईक्लाउड का अकाउंट से आप अपना अकाउंट लिंक कर दे, यू नो समथिंग अलोंग दीज लाइंस, मतलब वो फोन देने से पहले कर दे, हाँ कोई ऑटो बैकअप का फीचर कर दे, यू नो सो मेनी अदर थिंग्स। यू नो लोग क्रैक्स इंस्टॉल करते हैं, यू नो सबवे सर्फ एंड डिफरेंट गेम्स हैं, उसके लिए जो है ना लोग प्ले स्टोर को बाईपास करके आउटसाइड ऑफ प्ले स्टोर करते हैं, जी भी व्हाट्सएप पर फॉर इंस्टेंस एक बड़ी एग्जांपल है, कर रहे होते हैं, इसके थ्रू भी जो है मैलवेयर स्प्रेड हो रहा था। बट देर आर सो मेनी थिंग्स अलोंग दीज लाइंस जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। देर आर सो मेनी वेज दैट बेसिकली यू कैन गो रॉन्ग और समथिंग कैन गो रॉन्ग। इसके मैं यही कहूँगा कि हर यूज़र जो है अपना थ्रेट मॉडल असेस करे, ठीक है, एंड सो अपने थ्रेट मॉडल असेस करने के बाद जो है ना वो सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करें। तो फिर एंड्रॉयड और आईफोन तो सिक्योर कौन सा है, देखें, या कौन सा कंप्रोमाइज जल्दी हो जाता है? देखें, मैं मेरे ये ख्याल है कि एंड्रॉयड और आपके आईफोन यानी मोबाइल हैंडसेट जितने भी स्मार्टफोन्स, दे आर मच मोर सिक्योर देन योर ट्रेडिशनल लैपटॉप, लैपटॉप से ज़्यादा सिक्योर है, राइट। बट इन दोनों में अगर हम कंपेरिजन करें तो नो डाउट एप्पल जो है iOS दैट इज मच मोर सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी देन एंड्रॉयड। उसकी बड़ी सिंपल लॉजिक है, वो ये है कि एंड्रॉयड में आप ऐप स्टोर से बाहर, प्ले स्टोर से बाहर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो एक रिस्ट्रिक्टेड मॉडल पे नहीं है। वेयर एज एप्पल में आप नहीं कर सकते विदाउट जेल ब्रेकिंग द फोन। उसमें आप यू नो एंड्रॉयड में आपको फोन जो है ना रूट करने की जरूरत नहीं है फॉर इंस्टॉलिंग समथिंग आउटसाइड ऑफ द प्ले स्टोर। आप डायरेक्टली जाएं, जी भी व्हाट्सएप इंस्टॉल करें, यू नो वेबसाइट से इंस्टॉल हो जाती है एपीके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रोविजनिंग अवेलेबल होती है। एंड सो हैंस यू नो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि यू नो प्राइवेसी सेंट्रिक लोग अगर हैं, दे शुड यूज आईफोन, यस दे शुड यूज आईफोन। अच्छा, आपने बात की डीप फेक पर, और उस पर आपकी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में स्पीच भी थी, तो क्या कहना चाहेंगे डीप फेक के कौन कौन से वाकियात हैं? नेगेटिव हमने देखा है कि इसके बहुत सारे हैं, पॉजिटिव भी हैं। देखें अभी ये जो मेरी प्रेजेंटेशन थी, इट वॉज अ कीनोट स्पीच इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी, एंड सो उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी डीप फेक की। मैंने बताया कि व्लादिमीर पुटिन की जब ये सारा रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसकी डीप फेक सरफेस करती है वेब पे, एंड जिसमें वो ये कहता है कि वी आर ट्राइंग टू मेक पीस। और ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ों का स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इफेक्ट होता है, जब यू नो इफ अ कंट्री गोज इनटू वॉर एंड द कंट्री पुल्स आउट फ्रॉम अ वॉर लाइक सिचुएशन। सो उसके रिस्पॉन्स में एक डीप फेक आई जेलेंस्की की, यू नो यूक्रेनियन प्रेजिडेंट की, जो लोग एट्रीब्यूट करते हैं रशिया को, एंड सो उसमें उसने कहा कि आप हथियार डाल दें, राइट। एंड सो इस तरह की डीप फेक वीडियोज़ की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। मैंने एक और एग्जाम्पल कोट की गैबोनीज प्रेजिडेंट की, अफ्रीका में एक कंट्री है, उसमें अली बोंगो के नाम से एक प्रेजिडेंट था, 2018 में ही गॉट सिक फॉर सर्टन टाइम, एंड वो एक हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा था, एंड सो लॉट ऑफ पीपल सस्पेक्टेड कि वो मर चुका है। एंड सो जब स्पेकुलेशन बढ़ी है
तो हुआ यूँ है कि उसकी एक वीडियो सरफेस करती है और उसको एक हेल्थ की कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से यू नो इट सीम्स लाइक कि वो यू नो दैट वीडियो इज़ डीप फेक और वही जो है ना सस्पेक्ट करते हैं बहुत सारे और पॉलिटिशियन ऑफिशियल उसका हाँ थोड़ा सा यस स्ट्रोक हो जाता है बेसिकली स्ट्रोक होता है जिसकी वजह से जो है ना वो नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा था लोगों को लगता है कि डीप फेक है उसकी वजह से मिलिट्री को हो जाता है जो कि इस वीडियो को एट्रीब्यूट किया जाता है ठीक है एंड सो विद दैट बीइंग सेड ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स टेक्नोलॉजी इज नॉट इनहेरेंटली गुड और बैड इस्तेमाल जो होता है वो डिपेंड करता है यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में वो इस फील्ड की तरफ आए बल्कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर कुछ इनिशिएटिव लिया जाए देखें क्या मैसेज है देखें फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंड इसमें डीप फेक एक सर्टेन एक कंपोनेंट है ठीक है एक एल्गोरिथम है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क ज्ञान के नाम से उसको इस्तेमाल करते हुए डीप फेक क्रिएट की जाती है उसकी और बहुत सारे यूज केसेज हैं इस एल्गोरिथम के भी एंड इसके अलावा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेटली देखें दुनिया में इस वक्त AI की मशीन लर्निंग के जो इंजीनियर्स हैं हाईएस्ट पेड जॉब्स हैं इमिग्रेशन के भी हाईएस्ट चांसेस उनके हैं कंप्यूटिंग की कोई भी अगर आप फील्ड उठा लें इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में जो है ना डिमांड में आपको AI है या साइबर सिक्योरिटी है बट अगेन यू नो डिपेंड करता है कि लोग ना आमतौर पर देखते हैं कि वो अपने एप्टीट्यूड को नहीं देखते वो सिर्फ ये देखते हैं कि you know, लोग किस तरफ भाग रहे हैं किस तरफ नॉइज़ है तो वो उसकी तरफ भाग रहे होते हैं एंड सो वो हाइप को पकड़ते हैं एंड you know, उसको हाइप के पीछे जा रहे होते हैं यू नो कोई देखते हैं कि अमेज़ॉन है पैसे कमा रहा है तो अमेज़ॉन के पीछे चले जाते हैं देखते हैं कोई क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमा रहा है तो क्रिप्टो करेंसी में चले जाते हैं कुछ साइबर में कमा रहे हैं सो वो अपना पैशन रिकग्नाइज करें अपना एप्टीट्यूड रिकग्नाइज करें और फिर एक फील्ड ऑप्ट करके कंसिस्टेंटली उस फील्ड पर चले बहुत शुक्रिया नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट राफे बलोच जिनकी बातें आपने सुनी उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़